हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के हलवे की रेसिपी। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत डिलीशियस लगता है और 10 मिनट में ही हलवा बन के तैयार हो जाता है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने 2-3 उबले हुए आलू को लेकर छील कर इसको कस लिया है। इस तरह से हमारे आलू तैयार हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी लेंगे और इसमें हम कटे हुए काजू और थोड़े से बादाम डाल देंगे। मैंने इनको थोड़ा छोटा छोटा कट कर लिया था। अब हम इनको हल्का सा भूनेंगे, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे। आप पिस्ते या जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बस हल्का सा ही रोस्ट करना है इनको। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे देसी घी, और जो हमने ग्रेट करे थे आलू उनको डालकर भूनेंगे इनको। नॉन स्टिक कढ़ाई लेते हैं तो बहुत जल्दी से बनता है, चिपकता भी नहीं है और इजीली बन जाता है। 10 मिनट में हमारा हलवा बन के तैयार हो जाता है, तो आप इसलिए नॉन स्टिक कढ़ाई ही लीजिएगा। अब मैं थोड़े से दूध में थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, गुनगुना दूध है ये, और इससे मिला देंगे। वापस से अब हम हलवा भुनेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही हल्का सा कलर चेंज होगा तो आलू भुन जाएंगे। यदि आपको कम लगे तो 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं इसमें। अब हमारे आलू भुन गए हैं, हम इसमें स्वादानुसार चीनी डालेंगे। मैंने 1/2 कप चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ और जो केसर वाला दूध था वो भी मिला देंगे और इसे मिलाते हुए भूनेंगे। अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करे थे वो डाल देंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। हमारा हलवा तैयार हो गया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल रही हूँ मैं, यदि आपको कम पसंद है तो आप कम डालें। हमारा हलवा एकदम से तैयार है, टेस्टी। आप इसे बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।